सो फाइनली गाइज आज की वीडियो में सबसे बात करने वाला हूँ वीवो वाई 100 मोबाइल के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग को ऑन कैसे करेंगे। जेंट्स तो अगर क्या इस मोबाइल में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग को यूज करना तो एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो कैसे करना होगा चलिए इस वीडियो में बता देता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस यहाँ पर उसको करने के लिए हमें अपने मोबाइल के डायल पैड में आना होगा। तो मैं आ जाता हूँ मोबाइल के डायल पैड में। डायल पैड में आएंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉल हिस्ट्री आएगा, सेटिंग्स आएगा, हेल्प एंड फीडबैक आएगा। तो हमें यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको असिस्टिव मिलेगा। असिस्टिव में आपको मिलेगा कॉलर आईडी एंड स्पैम। जनरल में आएंगे तो जनरल में आपको मिलेगा एसेसिबिलिटी मिलेगा, असिस्टेड डायलिंग मिलेगा, ब्लॉक डे नंबर मिलेगा, कॉलिंग अकाउंट्स मिलेगा एंड कॉल रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तब सामने इस तरीके का इंटरफेस फिर से शो होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डिंग्स में आपको मिलेगा डिलीट रिकॉर्डिंग्स, डिलीट ऑल रिकॉर्डिंग्स नाउ एंड आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा ऑलवेज रिकॉर्ड। तो हमें यहाँ पर डिलीट रिकॉर्डिंग में अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपने जो रिकॉर्डिंग किया है आप उसको कितने दिन तक इसमें रखना चाहते हैं, यहाँ पर 7 दिन तक, 14 दिन तक, 30 दिन तक, नेवर तक, यानी हमेशा के लिए। अगर जैसे कि आपने जो रिकॉर्डिंग किया उसको 7 दिन में तक रखना चाहते हैं तो वो 7 दिन बाद अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो 7 दिन बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप इसको नेवर पर क्लिक किए रहेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी रिकॉर्डिंग होगा वो जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे वो डिलीट नहीं होगा। फिर हमें मिलता है यहाँ पर डिलीट और रिकॉर्डिंग्स ना हो, इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से आपके मोबाइल में जितना भी रिकॉर्डिंग्स रहेगा यहाँ से एक क्लिक में सबको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इन सभी को बंद कर लेता हूँ। फिर इसके नीचे हमें मिलता है ऑलवेज रिकॉर्ड। ऑलवेज रिकॉर्ड पर आपको मिलेगा नंबर्स नॉट इन योर कॉन्टैक्ट्स। अगर आप इसको इनेबल कर लेते हैं, इसको इनेबल करने के बाद अब आपके मोबाइल पर जितना भी आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट में जो नंबर नहीं होगा तो उस नंबर से कोई भी कॉल करेगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। तो अगर इसको यूज करना हो तो कर सकते हैं। फिर हमें नीचे मिलता है सिलेक्टेड नंबर, तो सिलेक्टेड नंबर पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑलवेज रिकॉर्ड सेलेक्टेड नंबर। इसको इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के बाद यहाँ पर चूज ए कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके जितना भी नंबर आप चूज करेंगे वहाँ से आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो उसको करने के बाद उस नंबर पर जो भी कोई भी कॉल आएगा तो उस कॉल को ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।